हाई एवरीबडी वेलकम टू रियल एस आई पॉइंट दिस इज फैता एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस जॉब्स के बारे में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑफ कैंपस जॉब्स का मतलब क्या होता है किसी भी फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन होता है या तो वो जॉब के लिए उन कंपनीज में अप्लाई कर सकता है जो उनके कॉलेज में विजिट कर रही हैं यानी कि कॉलेज का जो भी प्लेसमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो खुद से कंपनीज़ को अप्रोच करें अब ये कॉलेज कैंपस के अलावा जो जब स्टूडेंट किसी कंपनी को टारगेट करते हैं वहाँ पर अप्रोच करते हैं जॉब्स के लिए या इंटर्नशिप के लिए तो इसे ही हम कहते हैं ऑफ कैंपस ड्राइव अब अगर आप टॉप आई आई से हैं तब तो सफिशेंट ऑप्शन आपके पास होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इफ़ यू आर फ्रॉम टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज जहां पर कंपनीज़ ज़्यादा विज़िट नहीं करती हैं और अगर मैं कोर कंपनीज की बात करूं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज़ में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये कोर कंपनीज़ आएंगी तो ऐसे में बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट अगर आपका एम है कि आप कोर भी डोमेन में जाएं यहाँ पे जॉब करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इफेक्टिवली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे फोकस करें तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ असेसमेंट सो बिफोर स्टार्ट स्टार्टअप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स इट्स क्रूशियल टू नो योर सेल्फ सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है आपकी स्किल्स क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है वीकनेस क्या है किस टाइप की जॉब आपके लिए सुटेबल है किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं फ्रंट एंड परफेक्ट है आपके लिए या फिर बैक एंड परफेक्ट है फील्ड जॉब आपको पसंद है या फिर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना है अपने आप को समझना है अपने लिए एक परफेक्ट जॉब प्रोफाइल को चूज करना है आपके गोल्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट होगी ये डिटरमाइन करना है और उसके बाद ही प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट एन इफेक्टिव रिज्यूमे सो गाइस योर रिज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपने अपने लिए एक पॉलिस्ड एंड वेल टेलरड रिज्यूमे बिल्ड किया हो कैसे आप अपने लिए एक इफ़ेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग करनी है कौन से पॉइंट्स को मेंशन करना है क्या कलर यूज करना है क्या फोन स्टाइल रखना है किस चीज को आपको अपने रिज्यूमे के फर्स्ट पार्ट में रखना है पहले एक्सपीरियंस लिखना है कि पहले एजुकेशन लिखना है क्या स्किल्स मेंशन करने है क्या टूल्स मेंशन करने हैं कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं ये सभी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड की इन योर रेज्यूम यानी कि आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी की वर्ड्स है वो आपको एड करने हैं सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रेज्यूम शुड बी एटीएस कंप्लाइंट एटीएस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम तो जब भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के साइड से तो वहां पे आपको कुछ कीवर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे सपोज अगर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए कोई ओपनिंग आई है तो वहां पे आपको वीएलएसआई डिज़ाइन और आर डिजाइन जैसे कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे तो मेक श्योर sure कि आपने वो सभी की अपने रिज्यूमे में मैंशन किया है तभी ये जो ए टी बॉट है ये आपके रिज्यूमे को आगे फॉरवर्ड करेगा अदरवाइज फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है सो रेज्यूमेर बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जॉब सर्च करने का तो अब इसके लिए करना क्या है सबसे पहले एक लिस्ट रेडी कर लें कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज कंपनीज का एंड एंड देन आपको उन के ऑफिशियल साइट पे जाना है उनका करियर पोर्टल का जो पेज है उसको चेक करना है जनरली कंपनीज में जब भी कोई ओपनिंग आती है तो ये सभी ओपनिंग्स उनके करियर पोर्टल पेज में अपडेट की जाती है तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि, कि किस कंपनी में ओपनिंग आई है और किस में नहीं आई है जब भी मल्टीपल फील्ड में ओपनिंग आती हैं तो कई बार कंपनीज कैंडिडेट्स को अलाउ करती हैं कि वो एक से ज्यादा फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कई बार ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक कैंडिडेट सिर्फ किसी एक ही जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकता है तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको उस करियर पोर्टल पेज पर मिल जाएगा so, कंपनीज के ऑफिशियल इंडीड लिंक इन ग्लासडोर नौकरी डॉट कॉम जैसी भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी होती है उन प्लेटफॉर्म्स पे एंड देन आप अलग अलग जॉब रोल्स के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वेल इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के साथ साथ आप कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड करने का अब हर कॉलेज में अपना एक प्लेसमेंट सेल होता है जो इस टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहता है जिससे कि स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस मिल सके वो अपने आप को ग्रूम कर सके कि कैसे उन्हें इंटरव्यू देना है कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने का इससे ना सिर्फ आपको करियर गाइडेंस मिलता है बल्कि एक स्ट्रांग नेटवर्क भी बिल्ड होता है सो so गाइज हमने सेल्फ असेसमेंट कर लिया हमने स्ट्रांग रिज्यूमे बिल्ड कर लिया हमने जॉब सर्च करके उनके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया अब टाइम आता है रेफरल्स का रेफरल्स आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रेफरल्स का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय किसी पोटेंशियल कैंडिडेट को रेफर करता है या रिकमेंड करता है किसी ओपन जॉब पोजीशन के लिए तो इस प्रोसेस को ही हम रेफरल कहते हैं अब हर कंपनी का अपना रेफरल प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनीज अपने आ, एम्प्लॉयज़ को ये ऑफर देती हैं कि अगर वो कोई भी पोटेंशियल कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं उन्हें रेफ़र करते हैं जॉब ओपनिंग्स जो आ रही हैं उनके लिए दैन इसके बदले में कंपनी उन्हें कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी जनरली बड़ी कंपनीज़ इन रेफ़रल प्रोग्राम्स को इसलिए भी ज़्यादा प्रमोट करती हैं बिकॉज जब भी लेस नंबर ऑफ ओपनिंग्स रहती है कंपनी में तो इसके लिए वर्थ नहीं होता है कि वो कॉलेज में विजिट करें या फिर मास लेवल पे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाएं ऐसी कंडीशन में कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ये बोलती हैं कि तीन या चार ओपनिंग आई है या जितने भी नंबर ऑफ ओपनिंग्स आई हुई होती हैं उस फील्ड में इसके लिए अगर उनके पास कोई कैंडिडेट हैं तो वो उन्हें रेफ़र कर सकते हैं यानी कि बिना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले इंटरनल लेवल पे ये हायरिंग होती है अब इससे कंपनीज एम्प्लॉय एंड कैंडिडेट्स इन तीनों को ही बेनिफिट मिलता है कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि उन्हें बिना ज़्यादा टाइम एंड मनी कंज़्यूम किए पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं अच्छे रेज्यूमर्स मिल जाते हैं एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ये होता है कि अगर वो किसी कैंडिडेट को रेफ़र करते हैं और अगर वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बदले में उन्हें कंपनी से इंसेंटिव मिलता है तो अब ये इंसेंटिव एक बोनस हो सकता है गिफ्ट कार्ड हो सकता है एक्स्ट्रा वैकेशन डेज हो सकते हैं सो इट वेरीज कंपनी टू कंपनी एंड फाइनली कैंडिडेट का ये बेनिफिट होता है कि उन्हें बिना ज़्यादा स्ट्रगल के अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जिसमें उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अब इन रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है जब कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट करती हैं उनका जो प्रोसेस होता है रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू भी जो हायरिंग होती है वहाँ पे आपको तीन चार राउंड जो होते हैं इंटरव्यूज़ के उनको क्रैक करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि रेफ़रल के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर आपको एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड नहीं करना पड़ेगा आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है प्रॉपर आपको एक ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू ही जाना होता है आपके रेज्यूमे को इवेलुएट किया जाता है अगर आप एक परफेक्ट फिट होते हैं देन फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यूज को क्रैक करने के बाद फाइनली आप सिलेक्ट होते हैं एंड आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है अब रेफरल के लिए मेनली दो ऑप्शन होते हैं या तो ऐसे लोग जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके सीनियर्स हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई जॉब ओपनिंग है तो उसके लिए वो आपको रेफ़र करें या फिर आप किसी अननोन पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस कंपनी में अगर कोई ओपनिंग है तो आपको रेफ़र करें अब इसके लिए लिंकड एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेटफॉर्म होता है इट्स अ हाईली हाईली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप एक स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने फील्ड में एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं जब भी आप किसी नोन पर्सन को अप्रोच करते हैं रेफरल के लिए तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपको रेफर करेंगे बट वहीं जब किसी अननोन पर्सन को आप अप्रोच करते हैं रेफरल के लिए तो वहां पे कंपैरेटिवली चांसेस कम होते हैं ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले एक स्ट्रॉग कनेक्शन बिल्ड करें उस पर्सन के साथ एंड देन उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आपको रेफर करें उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप लिंकडिन पे किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो सबसे पहले एक अच्छा सा फॉर्मल मैसेज फ्रेम कर लें दैट मैसेज शुड बी इन अ पोलाइट वे और उसके साथ आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें इससे आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अब सपोज़ अगर आपको इंटेल में किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है उसमें आप चाहते हो कि आपको कोई रेफर कर दे या फिर आप टेक्सस इंस्ट्रूमेंट एनएक्स पी या किसी भी कंपनीज में अगर आप चाहते हैं और वहाँ के किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सो इट वुड बी बेटर कि आप अपने एक अच्छे से मैसेज के साथ उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें आप उन्हें अपना रेज्यूमें भेज सकते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई ओपनिंग है तो वो आपको रेफर करें इस पोजिशन के लिए अब इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रांग रेज्यूमे होने के साथ साथ आपको अपनी एक इफ़ेक्टिव लिंगड प्रोफाइल भी बिल्ड करनी है अगर आप चाहते हैं कि लिंगड प्रोफाइल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप कैसे अपने लिए एक इफेक्टिव एक स्ट्रांग लिंगड प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं अगर आप डेली टेन टू फिफ्टीन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं विथ योर फॉर्मल मैसेज तो इसमें कोई बुराई नहीं है कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके लोगों को अप्रोच करने का फाइनली और लास्ट स्टेप इज कंसिस्टेंटली अप्लाई इन कंपनीज अब मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्ट तो करते हैं अपनी ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाली जर्नी बट चार से पाँच कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद वो डी मोटिवेट हो जाते हैं जब उन्हें कंपनीज़ के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर वो अपने लिंकड इन नेटवर्क को अप्रोच करते हैं और उनके साइड से भी जब कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो काफ़ी डी मोटिवेट हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रोफाइल जो है वो इफेक्टिव नहीं है या फिर उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है जिससे कि वो कंपनीज़ में सेलेक्ट हो सकें बट गाइज एक्चुअली ऐसा नहीं है when it comes to off campus placement you have to keep on applying 40 to 50 companies में जब आप apply करते हैं तब जाके chances होते हैं कि तीन से चार companies से आपको response आ जाए और आपका resume shortlist हो जाए तो शुरू से ही अपने आप को mentally prepared रखें इस चीज़ के लिए LinkedIn पे भी अगर आप डेली 10 से 15 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और कंटिन्यूसली आप ऐसा कर रहे हैं तब चांसेस होते हैं कि उनमें से कुछ लोगों का रिप्लाई आ जाए एंड फाइनली वो रेडी हो जाए आपको रेफर करने के लिए सो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम सो गाइज बी पेशेंट कभी भी आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है ड्रीम uh, कंपनीज को डिसाइड करके इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आपने अपने लिए ड्रीम कंपनीज को डिसाइड कर रखा है बट कभी भी लिमिट नहीं करना है अपने आप को कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके आपके हाथ में एक जॉब ऑफर आ जाए ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कंपनी को टारगेट कर लिया कि आपको इसमें प्लेस होना है तो आप उसके अलावा किसी और में अप्लाई नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आप उसी कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं यह एक सही तरीका नहीं होगा उस कंपनी को आपको टारगेट करना है उसके लिए अफोर्ड करते रहना है बट एट अ सेम टाइम आपको बाकी कंपनीज पर भी फोकस करना है और उधर भी अप्लाई करना है डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कई बार क्या होता है अगर आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकड इन प्रोफाइल बिल्ड करके रखी है तो कई बार रिक्रूटर्स सामने से आकर आपको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि देयर इज ओपनिंग एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट तो बेनिफिट मिलता है बट या इट विल टेक टाइम सो दिस इज इट गाइज आज की इस वीडियो में हमने बात की फाइव इफेक्टिव स्टेप्स की फॉर योर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आई होप अब आपको एक रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है एंड कैसे कंसिस्टेंट होकर ट्राई करते रहना है डेफिनेटली ये प्रोसेस चैलेंजिंग है बट येस विथ योर स्ट्रांग प्रिपरेशन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस यू विल सिक्योर अ ग्रेट जॉब अगर वीडियो अच्छी लगी है देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब वियर एस आई पॉइंट फॉर मोर करियर रिलेटेड कॉन्टेंट अगर आपने अभी तक हमारे प्लेसमेंट सीजन वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है देन जस्ट चेक इट आउट मिलते हैं अगली वीडियो में